हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 20 डे सीरीज़ के डे 9 की वीडियो के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी डे 9 वीडियो है जिसके अंदर आज हमने साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, और आप वो टाइम से रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि साइंस के ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो आज इसमें हमने कुछ मिक्सअप टॉपिक्स लिए हैं जिसके अंदर हम बात करेंगे कि आपके एग्जाम में साइंस से रिलेटेड किस तरह की टर्मिनोलॉजी है जो कि बहुत पूछी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विभिन्न यंत्रों के नाम और उनके कार्यों के, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि अच्छा ये बताइए ये वाला यंत्र किस काम में आता है, या फिर आपको उनका काम दे दिया होगा, फिर आपको चार ऑप्शन दिए होंगे, अच्छा ये बताइए ये वाला काम कौन सा यंत्र करता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट आता है अल्टीमीटर। फ्रेंड्स, अल्टीमीटर जो होता है यह ऊंचाई मापक यंत्र कहलाता है, और इसका उपयोग किया जाता है जब विमान की ऊंचाई नापने के लिए कि विमान कितनी ऊंचाई पर है। तो इस जिसका प्रयोग विमानों में किया जाता है, यानी कि विमान कितनी ऊंचाई पर अब है, कितनी ऊंचाई पर वो उन्हें जाना चाहिए, इन सब के लिए अल्टीमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है एनीमोमीटर। फ्रेंड्स, एनीमोमीटर यूज़ किया जाता है वायु के वेग तथा गति को मापने के लिए कि वायु की इस टाइम गति क्या है, या फिर वो किस वेग से चल रही है, तो ये वायु की दिशा भी बताता है साथ में। तो ये कौन हो गया? एनीमोमीटर। नेक्स्ट आता है ऑडियोमीटर। फ्रेंड्स, ऑडियोमीटर यूज़ किया जाता है ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ से कौन हटा दीजिएगा? ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए ऑडियोमीटर का यूज किया जाता है। ऑडियोमीटर सिंपल है फ्रेंड्स, नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट आता है एरोमीटर। एरो एयर से बनाए फ्रेंड्स, यह वायु और गैसों के घनत्व को मापने के काम आता है कि वायु और गैसों के बीच में कितना घनत्व है, इसलिए ये नापने के लिए हम एरोमीटर यंत्र का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑडियोफोन। जो लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाते हैं, यानी कि जिनको प्रॉब्लम होती है सुनने में, वो इसको लगाते हैं ऑडियोफोन को, या सुनने की मशीन भी कहलाती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये कौन सी मशीन है। जो सुन नहीं पाते हैं लोग, उनको एक मशीन लगानी होती है जिसके थ्रू वो सुन सकते हैं कि सामने वाला पर्सन क्या कह रहा है, तो उसको बोला जाता है ऑडियोफोन। नेक्स्ट आता है बैरोमीटर। फ्रेंड्स, बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है वायुदाब मापने के लिए। ठीक है, बहुत सिंपल है ये। बैरोमीटर का प्रयोग वायुदाब मापने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, बैरोमीटर एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम बायनोक्यूलर पर। बायनोक्यूलर की बात करें तो फ्रेंड्स, यह उपकरण दूर की वस्तुएँ देखने के काम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैलिपर्स। कैलिपर्स की बात करें तो फ्रेंड्स, ये बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापने के काम आता है कि कोई भी बेलनाकार वस्तु है तो उसके अंदर और बाहर के व्यास मापता है, इससे वस्तु की मोटाई मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैलोरीमीटर। यह उपकरण तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने में काम आता है। ठीक है, ये किसका बना होता है? तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने में हमारे काम आता है कैलोरीमीटर। नेक्स्ट आता है सिनेमेटोग्राफ। फ्रेंड, सिनेमेटोग्राफ की बात करें तो छोटी छोटी फिल्मों को बड़ा करके पर्दे पर लगाकर क्रम में प्रक्षेपण करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो छोटी छोटी फिल्में होती हैं उसको पर्दे पर उतारना, सिनेमेटोग्राफ का यूज वहाँ किया जाता है। नेक्स्ट है फैदोमीटर। फैदोमीटर की बात करें तो फ्रेंड्स, ये समुद्र की गहराई नापने के काम आता है कि समुद्र की यहाँ पे गहराई कितनी। आपने देखा होगा किसी भी आप ऐसी जगह पर जाते हैं तो वहाँ पे पास में ही कोई मेजरमेंट दिया होता है, वहाँ पे लिखा होता है कि इतनी इसकी गहराई है। तो ये गहराई किससे मापी जाती है? ये मापी जाती है फैदोमीटर से। नेक्स्ट आते हैं गायरोस्कोप। गायरोस्कोप की बात करें तो फ्रेंड्स, यह यंत्र घूमती हुई वस्तुओं की गति प्राप्त ज्ञात करता है। कोई भी वस्तु अगर घूमती है तो ये कितनी किस गति से घूम रही है, यह इसको ज्ञात करना गायरोस्कोप का काम है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोमीटर। फ्रेंड्स, अगर हम हाइड्रोमीटर की बात करें तो ये उपकरण के द्वारा द्रवों की आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है, यानी कि जो द्रवों का आपेक्षिक घनत्व होता है ये हम हाइड्रोमीटर के द्वारा मापते हैं। नेक्स्ट आता है हाइग्रोस्कोर। हाइग्रोस्कोर की बात करें तो फ्रेंड्स, ये वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र है, यानी कि वायुमंडल की आर्द्रता में क्या परिवर्तन हो रहा है
वो हाइग्रोस्कोप के द्वारा मापा जाता है। तो आप ये सारी चीजें याद रखिए, एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है लैक्टोमीटर। फ्रेंड्स, अगर हम लैक्टोमीटर की बात करें तो दूध की शुद्धता जांच करने वाला यंत्र दूध का सापेक्षिक घनत्व मापता है, यानी कि दूध की शुद्धता की जांच तो करता ही है, साथ में ये क्या करता है, दूध का आपेक्षिक घनत्व भी मापता है और इसमें पानी की मात्रा का पता चल जाता है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, कभी आपने किसी डेयरी वाले के पास गए होगे तो वो उसके पास एक मशीन होती है व्हील टाइप की, तो उसके अंदर क्या होता है, वो बहुत सारे वहाँ पे क्यूब लगे होते हैं, उस क्यूब के अंदर वो क्या करते हैं कि जो दूध होता है उसको उसमें थोड़ा और डालकर और उसको उस व्हील को चलाते हैं। अब उस चलाने से क्या होता है कि वहां पे उन्हें पता चल जाता है कि इसके अंदर पानी की कितनी मात्रा ऐड की गई है। तो वो जो उनका प्रोसेस या यंत्र कहते हैं हम, वो होता है हमारा लैक्टोमीटर। नेक्स्ट आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन की बात करें तो यह यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदनों में परिवर्तित करता है, यानी कि माइक्रोफोन ध्वनि यंत्र को क्या करेगा, विद्युत स्पंदनों में परिवर्तित करता है, उसे हम कहते हैं माइक्रोफोन। नेक्स्ट आते हैं ओडोमीटर। फ्रेंड्स, ओडोमीटर की बात करें तो ये मोटर गाड़ी की गति को ज्ञात किया जाता है, इसे चक्कर मापी भी कहा जाता है। आपने देखा हो मोटर गाड़ी में ये लगा होता है, तो ये गति को मापता है कि अब गाड़ी कितनी गति से चल रही है, तो उसको बोला जाता है ओडोमीटर। तो फ्रेंड्स, आई होप ये यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट आते हैं पीएच मान पे। फ्रेंड्स, एग्जाम में पीएच मान भी बहुत पूछे जाते हैं, इसका पीएच मान कितना है, इसका पीएच मान कितना है, ठीक है। फर्स्ट आता है आमाशय रस। आमाशय रस की बात करें तो फ्रेंड्स, आमाशय रस का जो पीएच मान है वो है 1.0 से लेकर 3.0, यानी कि 1 से लेकर 3 तक आमाशय रस का पीएच मान होता है। नेक्स्ट हम बात करें पेय पदार्थ की, तो फ्रेंड्स पेय पदार्थ का पीएच मान होता है 2 से लेकर 4, ठीक है। सिरके का पीएच मान होता है 2.4 से लेकर 3.4 के अंदर सिरके का पीएच मान होता है। नेक्स्ट आ रहा है यूरिन की, तो यूरिन में भी अगर हम मानव की बात करें तो फ्रेंड्स, यूरिन का जो पीएच मान निकल कर आता है वो निकल कर आता है 4.8 से 8.4। नेक्स्ट है लार, ये भी हम मानव की बता रहे हैं, तो लार का जो पीएच मान होता है वो होता है 6.5 से 7.5। देखिए लार का पीएच मान सबसे ज्यादा है और उससे भी ज्यादा है समुद्री जल का। नेक्स्ट आता है वर्षा का जल, तो वर्षा के जल का जो पीएच मान है वो है 6 और समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.5। तो आप इन्हें नोट कीजिएगा, ये पीएच मान बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। गाय का दूध का पीएच मान होता है 6.3 से 6.6 के बीच में, और रक्त होता है इसका पीएच मान होता है 7.36। तो फ्रेंड्स, रक्त का पीएच मान बहुत पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रक्त का। तो ये तो हो गए फ्रेंड्स पीएच मान। हम बात करते हैं प्रमुख तत्व और उनके उपयोग की, यानी कि कौन से तत्व का उपयोग कहाँ किया जाता है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सोडियम, सोडियम का उपयोग किया जाता है जो सड़क पर रोशनी के लिए प्रयुक्त पीले लैंपों में, यानी कि आपने देखा होगा गाड़ी में कोई भी गाड़ी हो उसमें येल्लो कलर की लाइट भी होती है, तो फ्रेंड्स वहाँ पर जो येल्लो कलर की लाइट होती है वो सोडियम की बनी होती है, ठीक है। पीले लैंपों में किया जाता है सड़क पर रोशनी देने के लिए। नेक्स्ट है तांबा। फ्रेंड्स, तांबा तार विद्युत के चालन के लिए, बर्तन और पन्नी के निर्माण के लिए। पन्नी का मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स फॉइल है, ठीक है, पन्नी के निर्माण के लिए। तो आपने देखा होगा तांबे का तार, बर्तन होते हैं तांबे के, और पन्नी के निर्माण में, फॉइल के निर्माण में भी तांबे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है एल्यूमिनियम। तो फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम का प्रयोग भी तार, बर्तन, पन्नी, पैकिंग के लिए, वही फॉइल के निर्माण में, अंतरिक्ष में और ऑटो उद्योग में भी किया जाता है। अंतरिक्ष में यानी कि जो हम मिसाइल होते हैं वो एल्यूमिनियम वहां में यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है आयरन। आयरन आयरन की बात करें तो फ्रेंड्स, आयरन बर्तन में, चुंबक में, जो ट्रांसफॉर्मर की कोर में प्रयुक्त होती है उस चुंबक में, और स्टेनलेस स्टील में हमारा आयरन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है गोल्ड और चांदी। ये बहुत सिंपल है, सबको पता होगा, आभूषण में तथा भोजन पदार्थों की सजावट के लिए। फ्रेंड्स, ये सिंपल है, कुछ बेसिक है, लेकिन एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो एग्जाम में पढ़ते नहीं, उन्हें लगता है ये तो बेसिक है, ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कई बार ऐसी होती है बहुत ही कॉमन चीज होती है, हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं। तो आपको अभी आपके पास टाइम है, आप सब कुछ पढ़िए, ऐसा मत करिए कि हाँ ये इजी है, हम नहीं पढ़ रहे, होगा तो हम कर लेंगे, या फिर ये नहीं आता। आपको जो भी कहीं से ही मैटर मिलता है प्लीज उसे पढ़िए। नेक्स्ट है पारा। पारे का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है।
अतिचालक के रूप में किया जाता है और ट्यूबलाइट के अंदर भी पारे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं टाइटेनियम। टाइटेनियम की बात करें तो फ्रेंड टाइटेनियम का यूज किया जाता है परमाणु व अंतरिक्ष अनुसंधान में तथा हवाई जहाज उद्योग में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको डे 9 की वीडियो पसंद आई होगी और आपने, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपने इससे पहले की जो हमारी 20 डे सीरीज की जो 8 वीडियो हैं उनको भी देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं 100% गारंटी से कह सकती हूँ कि ये वीडियोस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इसमें से आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपके एग्ज़ाम में भी आप इससे बहुत सारा मैटर आपका आ सकता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और अगर किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे और विच वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।